नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आज के मिथुन राशि के दैनिक राशिफल की, लेकिन उससे पहले बात कर लेते आज के पंचांग के बारे में। 31 अगस्त 2024 शनिवार का दिन है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष आज त्रयोदशी तिथि है। नक्षत्र आज है पुष्य। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:38 से लेकर दोपहर 12:29 तक रहेगा। आज का सूर्य उदय होगा सुबह प्रातः 5:45 पे। चंद्रमा की आज स्थिति रहेगी कर्क राशि पर। आज का राहु काल का समय रहेगा तकरीबन सुबह 9:10 से लेकर सुबह 10:50 तक रहेगा। इस राहु काल में कोई भी शुभ कार्य ना करने तो विघ्न बाधाएं आ सकती है। अब बात करते हैं आज के मिथुन राशि की दैनिक राशिफल की, और यह प्रोडक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। मिथुन राशि के जातकों, आज का दिन थोड़ा सा भारी है। मानसिक चिंताएं हालांकि कम होगी। धन की स्थिति आपकी बढ़िया रहेगी। धन आने का नया अवसर भी मिलेगा। किसी बात की चिंता ना करें। मिथुन राशि के जातकों, काम के सिलसिले में थोड़ा सा कमजोरी है, इसीलिए सावधान रहिएगा। अपनों का प्रेम मिलेगा, रिश्तों में प्रेम बढ़ा हुआ है, प्रेम जीवन जी रहे हैं तो भी ठीक है। घर के किसी बड़े बुजुर्ग के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी हो सकती है, इसका ध्यान रखिएगा। मिथुन राशि को पुरानी उधारी चुकाने में सफलता मिलेगी और उच्च पद नेतृत्व का अवसर भी मिलेगा। किसी भी दोस्त और रिश्तेदार पर ज्यादा भरोसा ना करें, नहीं तो धोखा पक्का खाएंगे। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय आज के दिन ना ले, नुकसान होगा। और क्रोध ना करें, नहीं तो महत्वपूर्ण काम यानी जो बनते बनते रुक सकता है। आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा आज के दिन। और जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, तो आज इंटरव्यू में एग्जाम दे रहे हैं तो महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त होगी। नकारात्मक यह है कि पड़ोसियों से किसी भी प्रकार का आज झगड़ा लड़ाई, कहीं कुछ बातें ऐसी ना हो, इसका ध्यान रखिए। और महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें। आज यात्रा टाल दें, ज्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए। और खासकर भाइयों यानी कि यहां पर सफलता मिलेगी। आज आप यानी कि इन लीगल कार्यों से दूर रहें, जो ज्यादा उत्तम रहेगा। सकारात्मक बदलाव आपके रिश्ते में देखेगा। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं, उनके साथ आप थोड़ा बहुत समय बिताएंगे। हालांकि यहां पर अनुकूल वक्त है, चीजें स्थिर रहेगी। रिस्क यानी कि वाले काम से दूर रहिएगा। शाम से लेकर रात तक छोटे मोटे कष्ट या फिर भागदौड़ हो सकती है। मान हानि का मामला बना हुआ है। शारीरिक परेशानी थोड़ा सा आज परेशान कर सकती है। कार्यस्थल पर थोड़ा सा अच्छा है, लेकिन लेखा जोखा देखने में सफल रहेंगे। घरेलू मामलों में आपको से आपके लिए रोमांचक खुशियों से भरा हुआ है। प्रोफेशनल लाइफ भी आपकी ठीक रहेगी। और आज खासकर मन की इच्छा पूरी होने से खुशी मिलेगी। देर शाम तक आपको अपने इस व्यवसाय के किसी कंपटीशन के पीछे थोड़ी यानी कि दौड़ने के लिए नए टिप्स अपनाने होंगे। आपके संपर्क से आपको लाभ होगा। महिला मित्रों से आप जरा सावधान रहें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सावधान रहें, कुछ गुप्त शत्रु भी आपके खिलाफ षड्यंत्र आज रच सकते हैं। और महत्वपूर्ण पद वगैरह पर आज बैठे हैं तो खासकर ज़्यादा सतर्क रहिएगा। अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखें, जल्दबाजी में निर्णय ना लें। और जो लोग विदेश कंपनी से जुड़े हुए हैं, उनको लंबी यात्रा करनी पड़ सकती है, विदेश जाना पड़ सकता है। स्वास्थ्य का भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। लापरवाही बिल्कुल भी आज के दिन ना करिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। आकस्मिक धन के योग है। मान सम्मान की प्राप्ति बढ़ेगी। शादीशुदा जिंदगी की बात करें तो देर शाम आज अनबन समाप्त हो जाएगी और आज एक दूसरे का सपोर्ट मिलेगा। संतान की प्राप्ति के योग है। साथ ही मैनेजमेंट के क्षेत्र में लाभ होगा और कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ उठना बैठना होगा। समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा होगी। कहीं पर पैसा इन्वेस्ट कर रखा है शेयर मार्केट में तो लाभ होगा। आज आपका शुभ रंग रहेगा हरा, भाग साथ निभाएगा 75% शुभ भाग्यांक रहेगा 5। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता लक्ष्मी।